हेलो दोस्तों, सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको जॉब वैकेंसी के बारे में बताना चाहूँगा। जॉब हायरिंग आई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा आपको वीडियो के जरिए ज़रूर अपडेट किया जाए, ठीक है। और विजिट वीज़ा, कैंसिल वीज़ा, ऑन वीज़ा, किसी भी वीज़ा पे यहाँ पे जॉब सर्च करने आए हो और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो लाजमी यहाँ पे CV ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। CV जैसे कि पहले तो जॉब के बारे में बताता हूँ, जॉब किस चीज़ की आई हुई, ठीक है। QA QC की आई हुई जॉब है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन से है, कंस्ट्रक्शन से, जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो सिविल इंजीनियरिंग से स्टडी किए हुए हैं और QA QC डिपार्टमेंट में उसके पास एक्सपीरियंस है। उनके पास जैसे कि ऐसा, मैं एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे टेक्नीशियन जो होते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, अगर उनके पास भी 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का, तो यहाँ पर अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। और QA QC का एक्सपीरियंस है, साइट का एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर लाजमी यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करिएगा। काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसके इसकी मैं सारी डिटेल्स लाइक ऑफिशियल मेल आईडी इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा। वहाँ पे CV को कवर लेटर लगा के ज़रूर भेजिएगा, CV को अच्छे से देख के भेजिएगा, ठीक है। कवर लेटर इसलिए मैं कह रहा हूँ, आई बटन में कवर लेटर का वीडियो देख लीजिएगा। कवर लेटर इसलिए कह रहा हूँ, कवर लेटर लगाने के बाद थोड़ा सा इंप्रेशन काफ़ी अच्छा बनता है। डायरेक्ट CV भेज देंगे तो ना वो मज़ा नहीं आएगा जो कवर लेटर के बाद आएगा, ठीक है। आपके पास भी कोई CV भेजेगा तो आप जब कवर लेटर देखोगे तो उस पर पहले ही लिखा रहेगा कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसे पता चल गया कि आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। CV में ये चीज़ मेंशन नहीं होती, क्योंकि CV में हम अलग अलग कंपनीज में काम किए हुए हैं, ठीक है। और सारे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हम दिए रहते हैं, ये काम किए, ये काम, लेकिन अब क्या बोलते हैं, QC का काम आया है, हमने QC में काम किया था 2 साल, लेकिन और पहले किसी और कंपनी में काम किया था, किसी और लाइन में, लेकिन वो भी सिविल से ही रिलेटेड था, तो दोनों मैच नहीं करता। कवर लेटर में आप सारी कंपनी, सारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को एक बार में लिखते हैं कि 4 से 5 साल का मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा बनता है, इसलिए कवर लेटर ज़रूर लगाइएगा। जिसे मालूम है उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, जिसको नहीं मालूम है और उसके उसको जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आई बटन में वीडियो दी हुई है कवर लेटर की, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जॉब सर्च करने आए हैं, CV तो भेजना ही भेजना है, तो कोशिश करें कि अच्छे से, अच्छे प्रिपेयर करके अच्छे से भेजें तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आएगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल मेल आईडी है, QA QC की पोस्ट है, QA QC के लिए ही अप्लाई करिएगा। अगर आपके पास किसी और लाइन का एक्सपीरियंस है तो आप अपने अपने हिसाब से भी मेल करिएगा, क्योंकि ऑफिशियल मेल आईडी है तो उसी कंपनी का है। QA QC के लिए वैकेंसी आई, क्या पता किसी और चीज़ के लिए आई आई हो, मुझे ना पता हो, शायद आपको प्रिफर कर लें, ठीक है। और वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है, कमेंट करिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के ज़रूर दूंगा, या तो कमेंट पे ही रिप्लाई आपको लाजमी दूंगा।